लोग हंसते हैं तो उनके प्रकार बड़े अलग अलग होते हैं। बाइक का गियर मारता है, मुंह ऐसे बनाता है। मेरा भतीजा बंटी कल पड़ोसन को बोला है आंटी। कविता खत्म होते ही शिखा आंटी के पास जाके बैठ गए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाह भाई वाह, मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, सारा देश सारी दुनिया मेरे साथ बोलने को बेताब है, तो फिर एक बार कह दीजिए वाह भाई वाह। जिंदगी में कुछ इलाज बड़े काम आते हैं और मर्दों के पास ये इलाज होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आपको लड़की की सही उम्र पता करनी हो तो क्या करना चाहिए। हाँ बताता हूं क्या, मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपकी उम्र क्या है, कभी नहीं बताएगी। पता नहीं हो कि उम्र और आदमी की सैलरी कभी पूछते नहीं है, कभी नहीं बताएगी। लड़की की उम्र पूछने का सबसे बड़ा तरीका है, ओ आंटी अबे ये किसको आंटी बोल रहा है, 20 की उम्र। एक सेकंड में मर्दों का दूसरा तरीका, बीवी से झगड़ा खत्म करना हो तो लखन एक वाक्य में खत्म हो जाता है। एक मियां बीवी एक घंटे से लड़ रहे थे, अब लगा चप्पल टिकाई देगी, तो पति ने जो आखिरी वाक्य बोला उससे सारा झगड़ा खत्म हो गया। सुंदर है तो क्या कुछ भी बोलोगी, खत्म। तरीके लेकिन फिर भी महिलाएं मानती कहां है, बदला तो निकाल लेती। जब पति ने यह कहा, उन्हें पता चल गया कि क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद दूसरे दिन कहीं जा रहे थे तो औरत ने रिक्शे वाले को रोका, भैया एयरपोर्ट चलना है। कितने रुपए? जी 500 रुपए। मेरे पति साथ चले तो? तो भी 500। देखा तुम्हारी कीमत 1 रुपए की भी नहीं, देख लिया। क्या किया जाए, लेकिन यही जिंदगी है शकील मियां, जिंदगी है ही नहीं जिंदगी अगर उसमें खुशी ना हो। भाई रोने रुलाने के लिए तो हम लोग बहुत है ना, वैसे ही हमारे घर में रोने रुलाने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। आपके घर में कोई खुशी हो जाए बस सारा मोहल्ला रो पड़ेगा और आके आपको भी रुलाने की कोशिश करेगा। अच्छा नई गाड़ी ली है। हमारे चाचा ने भी ली थी इसी ब्रांड की, 4 दिन नहीं चले, 5वें दिन भिड़ लिए बेचारे, निकल लिए। अरे आप नया कपड़ा सिला लो, नया शर्ट है, इससे तो वही ठीक था जो हर महीने पहनते थे। मैंने भी लिया था यही कलर का, सांड पीछे पड़ गए मेरे। कोई आदमी किसी को खुश तो देख ही नहीं सकता, लेकिन ये 3 लोग बैठे हैं जो लोगों को खुश देखना चाहते हैं। उधर क्या देख रहे हो भाई? शकील जैसे ही मैंने कहा 3 लोग हैं तो लोग खुश देखना चाह रहे हैं। शकील भैया आप मेरी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? नहीं पूरा था सर, बस एक झलक देखा इनको, उसमें आपने देख लिया। देखो चाचा, तो चाचा है, उम्र देखो तुम्हारी और एक झलक। तो अभी भी उधर देख के बोल रहे हो यार, तुम कमाल कर रहे हो, मैं पास में खड़ा हूं तो भी। अच्छा तो चाचा है तो देख तो सकते हैं। आए हाय वाह, सही बात है, देखो तो नहीं। क्या चेहरे पे ले हो? वो देख रही है। हाथ हो गई इनकी भैया, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को देख के खुशी मिलती है। हाँ तुम कुछ कहना चाहती हो शिखा? मुझे 2 लाइन याद आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। मत देख कर मुझे यूं वाह वाह करे आप, मत देख कर मुझे यूं वाह वाह करे आप, कुछ दिन बचे हैं अल्लाह अल्लाह करे आप।
माफी चाहता हूँ शकील भाई, कुछ नहीं किया जा सकता, चानस खत्म। सर मर्दों की तो कोई नई बात नहीं है, ये घर में बेइज्जती होती रहती, तो कोई नई बात थोड़ी है, मैं क्यों टेंशन लूं। ये वैसा ही है। क्या कहा है आपने, ये पहली बार नहीं है एक लड़के को किसी ने चप्पल मार दी है, धमाधम हंस के खड़ा हो गया। उसने इतना खुश क्यों हो रहा है, पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है, है? कि मैं ऐसे घसीटा हूं, इसी मोहल्ले में 7 बार पीटा हूं। ये वो लोग हैं जो लोगों को खुशी बांटने का काम करते हैं। ये है शकील मालेगांवी, उप शकील भारती, जो मालेगांव से हमारे बीच में है, और कविता और शायरी तो मिजाइया करते ही है, लेकिन बड़ा कमाल के आज इनका एक रूप आप देखेंगे जो बड़ा मजा आएगा। शिखा श्रीवास्तव, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत वर्षों पहले एक प्रतिभा खोज में हमने शिखा को खोजा और टेलीविजन पर पहली बार लेके आए, लखनऊ से हमारे बीच में आती है शिखा, भारतीय रेलवे में काम करती है। लोकेश जड़िया धार मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं और हास्य के युवा कवि हैं, और आज पहली बार देश को हम सौंप रहे हैं लोकेश जड़िया। तो आइए इन तीनों का स्वागत करते हैं। और शकील भाई फिर उधर देख रहे हो यार, जल्दी इधर आओ। अरे बड़े इज्जत से शैलेश जी ने हमें बुलाया, हमें इतनी इज्जत घर भी नहीं मिलती। आपने जैसे हमें बुलाया है, आपको भी ऐसी इज्जत मिले घर पे, ये हमारी दुआ। नहीं सर, हंसते हैं तो मुझे लगता है कई गम छुपाए हैं हंसी के पीछे, खुल के बताते नहीं हैं सर। एक शेर सर जी, बस यही कारोबार करता हूँ, बस यही कारोबार करता हूँ, बस प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। हाय हाय सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। बस यही कारोबार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, सारा शहर मुझे दूर से ही पहचान लेता है, मैं हर रोज इतना उधार करता हूँ। इन्हें मुझे एक ज्ञानी बाबा बोले थे, जो आपको इज्जत देगा वही आपको बेइज्जत भी करेगा। हाँ शकील भैया, तो आप लोग हंसते बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग जाते हैं कवि सम्मेलन में, प्रोग्राम में, तो सर हम देखते हैं कि लोग हंसते हैं तो उनके प्रकार बड़े अलग अलग होते हैं जी, हंसने के क्वालिटी बड़ी अलग अलग होती है। कोई कोई जो हंसता है ना, तो ऐसा लगता है वो बाइक का गियर मारता है, मुंह ऐसे बनाता है, यूं यूं मुंह कर लेगा और यूं। किसी को हंसते देखो तो ऐसा आवाज नहीं आती है, मगर इतना इतना खतरनाक हंसता है वो ऐसा। भगवान ने अलग ही अलग बनाया है। हमारे यहाँ शादी होती है तो सब आते हैं, मोहल्ले के लोग भी, कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, कुछ बहुत एकदम बेशरम होते हैं। अगर पूरे रिश्तेदार अंकल देख भी रहे हैं, उनको बोलो भी ना देख रहे तो हंसने से रुकते ही नहीं हो, इतना डेयरिंग से हंसते हो लोग। बजा लो ना, बजा लो, बहुत डेयरिंग से हंसते हो। अब वो ऐसे हंसते, बोले तेरे अंकल, अब कुछ तो इतने शर्मीले उनको देख लेते हैं ना अंकल वगैरह, तो खामोश भी हो जाते। अब हंसते हंसते खामोश कैसे होते हैं, अदब भी कायम रखते हैं और हंसते भी रहते हैं। तो सर मेरी दुआ थी, और ये दुआ हर किसी को मांगना चाहिए, कि हमारा देश दुनिया में भगवान ऐसी कोई हवा कर दे, ऐसी कोई बीमारी कर दे कि हर कोई हंसता हुआ रहे। क्या बात, दुआ। तो सर अगर ये दुआ हमारी कबूल हो गई, हम सच्चे मन से बोले, अगर दुआ दुनिया में अगर ये हंसी की सब आ गई, तो हर काम गम वाले काम हंसी में होंगे, अब टेंशन वाला काम भी हंसी में होगा। अब मैं सोचा सर ये बीमारी अपने देश के अंदर घुसेगी, अब मित्रों में आ गई बीमारी, बच्चों लोगों में, अब 4-5 मित्र खड़े थे, उसका एक दोस्त दौड़ते आया,
बोले यार क्या हुआ, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। दोपहर में हंस के आया, शाम में ज्यादा जोर से हंस रहा था। क्या हुआ? ये बीमारी सर हमारे मोहल्ले के कारपोरेटर नेता को लग गई। अब देखिए वो कहां कहां हंस रहा है। वो कहीं कहीं हंस रहा है मगर शब्दों पे ध्यान देना। हाँ, सुनाओ। तो कारपोरेटर ऐसा तकरीर लिए, भाषण किए। अब भाषण में शुरू किए और उनके हंसने का पंच, मेरे दोस्तों और मित्रों मुझे चुनकर लाइए, मैं बहुत अच्छा आदमी। अगर आप मुझे चुनकर लाओगे तो मैं आपके मोहल्ले को स्वर्ग बना दूंगा। आप मुझे चुनकर लाइए, आपके यहाँ जो सुविधा नहीं है दवाखाने की, डॉक्टर की, अगर मैं चुन के आ गया तो आपके घर पे दरवाजे पे एक एक डॉक्टर बैठेगा। बोलने में क्या है? जनता है, कुछ बोलो, कुछ बोलो। मुझे चुनकर लाइए, देखिए मैं ये चौथी मरतबा खड़ा हुआ हूँ, तीन दफा तो आप लोग शकील शकल देखी शीशे में। जो तुमने आज पढ़ा है, जी कर रहा है कि छोड़ो अब क्या करना है। सर मैं आईने में शक्ल नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं मेरी शक्ल देखता हूं तो मुझे भी हंसी आ जाती है। देखिए बदकिस्मती भी किस तरह से जहन में बस जाती है। जिस शक्ल को देख कर रोना आना चाहिए, उस शक्ल को देख के हंसी आती है। देखिए शकील भैया क्या कमाल किया आपने, एक बार जोरदार तालियां शकील भारती के लिए, बहुत बढ़िया। और आइए बढ़ते हैं आगे, वो सुनाएंगे कविता बहुत बढ़िया। आ रहे हैं धार के लोकेश जड़िया, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। एक बार भाई साहब मेरी शादी हुई। अच्छा आप सब ऐसे हंस रहे जैसे आपकी 10-10-20 बार हुई है। हर आदमी सपना देखता है, मैंने भी सर सपना देखा था भाई साहब। अच्छा इतना उदासी में? ऐसा ही देखता हूँ मैं। हाँ। सपना देखा था कि एक सुंदर सी लड़की आएगी, ऐसा ही सपना देखा था। सुंदर सी लड़की आएगी कमरे में, आएगी छम 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 छम। भाई साहब 250 किलो का आइटम आया। हाँ। आया दम। अच्छे हकीकत से कितने अलग चले जाते हम। भाई साहब सच में मैं फिल्मों में देखता हूँ, शुरू से सब मन में था कि फिल्मों में जो चीजें होती है वो चीज करेंगे। फिल्मों में क्या होता है, एक हीरो आता है, एक हीरोइन, हीरो एक पाइप लेता है, पाइप लेके हीरोइन के ऊपर फव्वारा चलाता है, हाय हाय। और हीरोइन भीगती जाती है और बोलती जाती है, अरे 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 मैं गीली, अरे कितनी भीग जाऊंगी मैं। और वो भीगती जाती है भाई। हाँ। और उसके बाद में दोनों प्यार करने लग जाते हैं। ओए होए। पानी में जले रे मेरा गोरा बदन। मैंने भी यही कोशिश करी परसों के दिन भाई साहब। पत्नी बर्तन मांज रही थी, पाइप था, बोछार मारी आए। भाई साहब वो कुकर का ढक्कन रहता है ना। वो कुकर के ढक्कन की सीटी
वो साइड में छुपी थी भाई साहब। ये भगवान, मेरा भतीजा बंटी कल पड़ोसन को बोला है आंटी। मेरा भतीजा बंटी कल पड़ोसन को बोला है आंटी, पहले वह कड़की फिर भड़की फिर तिलमिलाई और थोड़ी देर बाद हमारे घर चली आई। अच्छा, घर पे आवाज लगाया बेटा बंटी, अंदर से ही बंटी बोला जी आंटी। आंटी बोली कि भारत में रहते हो तो भारती रहो ना, और प्लीज मुझे इंग्लिश में आंटी तो मत कहो ना। प्लीज मुझे इंग्लिश में आंटी तो मत कहो ना। बंटी बोला हाँ, मैं आप ऊंची सोसाइटी वालों का हिंदी प्रेम जानता हूँ, पर इस दिल पर क्या बीतेगी ये मैं ही मानता हूँ। यदि आपको इंग्लिश में आंटी के बजाय हिंदी में माँ कह जाऊंगा तो आपकी बेटी सोनिया को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। वाह लोकेश, वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा संभाल के बैठना, परसों ही की चोट है कुकर की, थोड़ा आगे हो जाना। हाँ सर, ये इनके भतीजे ऐसा ऐसे हैं तो अंकल कैसे होंगे? अंकल कुछ कम नहीं है, बिना बात के बैठ गए और कविता खत्म होते ही शिखा आंटी के पास जाके बैठ गए। देखो भाई बेचारा, और बैठा भी नजदीक एकदम जाके, पहले दूर थे, अभी एक कविता पढ़ी करीब आ गए। अच्छा, जबकि मैं नंबर परफॉर्म किया फिर भी दूर हूँ। ओ हो, इस उम्र में भी देखो कितनी फिसलन हो रही है, जरा सा क्या पास बैठा इनको जलन हो रही है। क्या बढ़िया काम किया है इन लोगों ने। वो शिखा श्रीवास्तव जी बैठी हुई इंतजार कर रही है कि इन दोनों मर्दों को मैं बताती हूँ कि महिलाएं कितनी आगे हैं, नारी शक्ति कितनी जबरदस्त है। ये लोग हंसी की बात करते होंगे, मैं मोहब्बत की बात करती हूँ, तो आइए फिर शिखा श्रीवास्तव जी वास्तव में चली आइए। जोरदार तालियां शिखा श्रीवास्तव। आपने अभी जो इन लोगों की परफॉर्मेंस देखी उसमें एक्टिंग ज्यादा थी, और मैं जो यहाँ कहूंगी उसमें सिर्फ मोहब्बत होगी और सिर्फ मोहब्बत। अरे औरतें मोहब्बत में कितनी एक्टिंग करती है हमसे पूछिए। सर देखिए कि औरतें कहाँ कहाँ मोहब्बत ढूंढ लेती हैं, कहाँ कहाँ मोहब्बत पहन लेती हैं, कहाँ कहाँ मोहब्बत को सजा लेती हैं। वाह, कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी। हाय, ये कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी, लुटा कर चैन सुख आंखों की नींदे धड़कने दिल की, लुटा कर चैन सुख आंखों की नींदे धड़कने दिल की, तेरी चाहत में खुद को इस कदर जोगन। हाय हाय, जोगन बना लूंगी, चाहत में खुद को इस कदर जोगन बना लूंगी, कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है के काम आएगा। शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, खबर क्या थी कि चाहत को मैं एक उलझन बना लूं। वाह, चाहत को मैं एक उलझन बना लूंगी, तेरी
शिखा खुद कर्ज दुनिया से भला शर्मो है या कैसी, शिखा खुद कर्ज दुनिया से भला शर्मो है या कैसी, मैं अपना सोलवा सावन तुम्हारे नाम बढ़िया। ये क्लैरिटी चाहिए नायिका में, बहुत अच्छा। ये तुम्हारे गजल की जो नायिका है बहुत क्लियर है, खुद को गुलबदन तुम्हें गुलफाम लिखती हूँ, बहुत क्लियर। लबों को जाम लिखती हूँ। और सबसे क्लियर बात जो मुझे लगी, मैं अपना सोलवा सावन तुम्हारे नाम लिखती हूँ क्योंकि सत्रहवें पे कोई और आ जाएगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात है। आइए हम क्लैरिटी से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे अरे भगवान के सामने प्रेम चोपड़ा जी कितना सर, शोमानंद जी पीछे। हाँ आपको कुछ याद आ रहा है सर, मैं कुछ कहना चाहती हूं। सर मुझे चार पंक्तियां याद आ रही हैं जी। आज इंसान का ईमान बदल जाता है, आज इंसान का ईमान बदल जाता है, वक्त की मार से तूफान बदल जाता है, वक्त की मार से तूफान बदल जाता है, चंद चांदी के सिक्कों की बदौलत अब तो, चंद चांदी के सिक्कों की बदौलत अब तो धर्म की आड़ में भगवान बदल जाता है, धर्म की आड़ में भगवान। क्या बात है, वाह। इंसान बदल जाता है लेकिन हम वो नहीं जो बदल जाए, हम वो नहीं जो बिक जाए, हम वो नहीं जो ऐरी गरी जगह पे दिख जाए, हम वो नहीं जो हमारा जमीर दे दें, हम वो नहीं जो सिक्कों की खनक के आगे नाचने लगे, हम वो नहीं जो आपकी तारीफ में कुछ भी बांचने लगे, हम वो हैं जो सच को सच कहना जानते हैं, हम वो हैं जो सत्य की तथ्य की और इस देश की बात करते हैं। कोशिश हमारी यही है कि हमारी ये खुददारी बची रहे, और खुददारी बची रहनी चाहिए, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। तब मुझे मेरी ही चार पंक्तियां याद आती है। मैंने यूं कहा कि क्या कहा मैंने, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कोशिश तो की थी कि मैंने कुछ कहूं लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो अगर मैंने कहा ही नहीं तो कल आके कहूंगा। वाह भाई वाह, आइए